दिए गए घनाभ का आयतन निकालिए। तो यहां हमें दो घनाभ दिए गए हैं और इनके हमें आयतन निकालने हैं। तो मैं जरा जल्दी से तुम्हें याद दिला दूं कि जो घनाभ का जो आयतन होता है वो बराबर होता है इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के। तो हमें बस इन दोनों घनाभों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करना है तो हमें आयतन मिल जाएगा। तो चलो इस पहले घनाभ की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लंबाई है ये मैं देख सकता हूँ ये है 8 मीटर, चौड़ाई यहाँ पे है 7 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। तो चलो इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो जो आयतन होगा वो होगा लंबाई यानी कि 8 गुणा चौड़ाई यानी कि 7 गुणा ऊंचाई यानी कि 6। तो ये बराबर आ जाएगा 8 गुणा 7 हमें यहाँ मिलेगा 56 और यहाँ पे हमारे पास गुणा है 6। तो 6 गुणा 6 हमें मिल जाएगा 36। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 और यहाँ लिख देता हूँ 6 और 5 गुणा 6 हो जाएंगे 30 और ये 3 हो जाएंगे 33। तो इस घनाभ का जो आयतन है वो है 336 घन मीटर। अब इसी तरह से इस घनाभ का भी हम आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो है 4 फीट, चौड़ाई दिख रही है 2 फीट और ऊंचाई है 6 फीट। तो चलो इसका आयतन निकालते हैं जो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई है यहाँ पे 4 फीट गुणा चौड़ाई है 2 फीट गुणा ऊंचाई है 6 फीट। तो ये बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2 हमें मिलेगा 8 और यहाँ रह जाएगा गुणा 6 और 8 गुणा 6 हमें मिलेगा 48। तो इस घनाभ का जो आयतन है वो है 48 घन फीट।